गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग समसामयिक विषय के कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों को इस तरह से स्पष्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इससे संबंधित सवालों का, चाहे वो किसी भी स्तर पर क्यों न पूछा जाए, हम उसका उचित जवाब दे सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो सबसे पहला सवाल हमने लिया है और यहां हमें यह दिखता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे सीबीआई के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है। सीबीआई के जो नए डायरेक्टर बने हैं, निदेशक शब्द ज्यादा उपयुक्त था, तो सीबीआई के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम बताना है, तो ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोमिनेंट पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। करमवीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे और राकेश कुमार भदौरिया, ये तीन विकल्प भी इंटरेस्टिंग है। आंसर हमारा क्या है, सुबोध कुमार ये सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं, लेकिन अदर विकल्प जो दिया गया है उस पर भी थोड़ा नजर डाल लें। कर्मवीर सिंह, ये भारतीय सेना स्थल सेना के चीफ हैं, जिनको कहा जाता है जनरल। और ये मनोज मुकुंद नरवणे नेवी, जिसे आप जल सेना नौसेना के चीफ हैं, इन्हें कहते हैं हम एडमिरल। और राकेश कुमार भदौरिया ये वायुसेना के चीफ हैं, जिन्हें कहा जाता है मार्शल। सवाल का जवाब था सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई के डायरेक्टर बने हैं। कर्मवीर सिंह इंडियन आर्मी के जनरल अध्यक्ष हैं, चीफ हैं। मनोज कुमार नरवणे नौसेना के चीफ हैं, जिन्हें एडमिरल कहते हैं। और राकेश कुमार भदौरिया वायुसेना के चीफ हैं, जिन्हें एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। तो ये तीनों डिजिग्नेशन को ध्यान में रखेंगे, मार्शल, एडमिरल, जनरल। वर्तमान में है कर्मवीर सिंह जनरल, मनोज कुमार नरवणे एडमिरल और राकेश कुमार भदौरिया मार्शल। सवाल हमारा जो था वो सुबोध कुमार जायसवाल से रिलेटेड था। इनको अभी अभी भारत सरकार ने सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर निदेशक बनाया है। यहां हम लोग जल्दी से एक नजर सीबीआई और इससे संबंधित तथ्यों पर नजर डाल लें। सबसे पहले तो सुबोध कुमार जो इसके डायरेक्टर बने हैं उनके बारे में आप जानोगे, और वो ये है कि एसपीजी का मतलब होता है क्या, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एक खास करके प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो विशेष पुलिस होती है उसे हम एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहते हैं। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे महत्वपूर्ण नेता हमारे आतंकी हमलों के शिकार हुए थे, उसके बाद एक विशेष प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया है एसपीजी, जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा देता है। तो इस ग्रुप में भी सुबोध कुमार काम कर चुके हैं। रॉ, जैसा कि आपको पता है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत का एक महत्वपूर्ण
इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसी है जो दुनिया भर में भारतीय हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है, और दूसरा है आईबी। आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ब्रिटिश जमाने से ही है, लेकिन खास करके 1962 और के युद्ध में चीन से हमारा जो फेल्योर हुआ था उसके बाद हमने एक रॉ स्टेब्लिश किया। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी, और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे डीपी कोहली। एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसको आप समझ लेंगे कि ये जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये पहले गृह विभाग होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता था, लेकिन अब यह कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत है। ध्यान रखेंगे सीबीआई जो पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता था, अब यह कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन है, और सीबीआई ही भारत में इंटरपोल की, अंतरराष्ट्रीय पुलिस की अधिकृत इकाई। आईबी और रॉ ये हमारे इंटरनेशनल एजेंसी हैं, लेकिन इंटरपोल जो अंतरराष्ट्रीय पुलिस है, यूनाइटेड नेशन की पुलिस है, उसका जो यूनिट है वो इंटरपोल का जो यूनिट है वो सीबीआई ही है। तो सीबीआई के अलावा हम लोगों ने क्या देखा, रॉ, आईबी, सीबीआई तो देख ही रहे हैं। एक और एजेंसी यहां हम लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है, और वो है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का गठन खास करके आतंकवादी, जिसे आप सीमा पार आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद के नाम से जानते हैं, मुंबई पर जो 2008 में आतंकी हमला हुआ, उस हमला के बाद खास करके आतंकी घटनाओं के इंटरनेशनल कनेक्शन को जानने समझने के लिए और उस पर उचित कार्रवाई की दिशा तय करने के लिए एक खास एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इस तरह से रॉ, आईबी, सीबीआई और NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये भारत के महत्वपूर्ण सीक्रेट एजेंसी हैं। अब सीबीआई के बहाने हम लोग थोड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बात कर लें, और वो शायद प्रश्न के विकल्प में भी था, नहीं तो ऐसे देखिए हम लोग की एफबीआई, CIA, ये USA अमेरिकन एजेंसी है। दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट एजेंसी है उसमें नाम आता है मोसाद का, और ये है इजराइल की सीक्रेट एजेंसी। KGB भी बहुत चर्चा में रहता है, और ये है रूस का। एक और एजेंसी जानेंगे जो अक्सर भारत की परेशानी का सबब बनता रहा है, ISI, और ये है पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी। तो सीबीआई के नए नियुक्त डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल वेटनर पुलिस अधिकारी हैं। सीबीआई के अलावे इंडिया में जो अदर सीक्रेट एजेंसी हैं उसमें हमने आपको बताया आईबी और रॉ और NIA। उसके बाद विश्व स्तर पर हमने कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण सीक्रेट एजेंसी है वो है मोसाद, इजराइल की है। KGB रूस की। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ये पाकिस्तान की एजेंसी है। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये संयुक्त राज्य अमेरिका की, और CIA संयुक्त राज्य अमेरिका की फेडरल एजेंसी है।
सीक्रेट एजेंसी है।